कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। बीरभूम का बर्बर सच। यूरोप में फिर बढ़ रहा है कोरोना। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश न्यूज ऑफ द वीक। चलिए नजर डालते हैं सप्ताह भर की सुर्खियों पर। योगी सरकार में जिस तरह जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया है, उससे साफ जाहिर है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। योगी समेत 53 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट मंत्रियों में 2 डिप्टी सीएम भी शामिल है। हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाकर भाजपा ने पिछड़े वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। वहीं दिनेश शर्मा के स्थान पर एक ब्राह्मण ब्रजेश पाठक को ही डिप्टी सीएम बनाया गया है। सर्वाधिक 20 मंत्री ओबीसी वर्ग से बनाए गए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट भी ओबीसी समुदाय के ही है। इसके अलावा 8 ब्राह्मण, 6 राजपूत, 5 जाट, 8 अनुसूचित जनजाति के मंत्री बनाए गए हैं। भूमिहार वैश्य, सिख, कायस्थ, पंजाबी और मुस्लिम समाज को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है, अर्थात हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। भाजपा की रणनीति का खुलासा इससे भी होता है कि मंत्री बनाए गए जेपीएस राठौर, दयाशंकर मिश्र, दिनेश प्रताप सिंह, नरेंद्र कश्यप, राकेश राठौर और दानिश अंसारी अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण और पीएम मोदी के करीबी पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को भी मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य योगी मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा दलित चेहरा है। वे जाटव समाज से आती है, जो कि मायावती का वोट बैंक माना जाता है। हालांकि सिद्धार्थनाथ सिंह, सतीश महाना, श्रीकांत शर्मा, आशुतोष टंडन जैसे दिग्गजों को मंत्रिमंडल में स्थान न मिलना जरूर चौंकाता है। यह भी माना जा रहा है कि यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को योगी कैबिनेट में शामिल किया गया है, इसलिए वे एक व्यक्ति एक पद की नीति के तहत अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। ऐसे में मंत्रिमंडल से बाहर रखे गए दिग्गजों में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अन्य नेताओं को भी संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इस बार सर्वाधिक मंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं। पश्चिमी यूपी से 16, पूर्वांचल से 15, अवध से 6, रुहेलखंड से 5, मध्य यूपी से 6 और बुंदेलखंड से 4 नेताओं को मंत्री पद से नवाजा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाजपा ने 2024 को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल बनाया है, लेकिन भगवा पार्टी अपनी रणनीति में कितनी सफल रहती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में रामपुर हाट के बोक्तुई गांव में 2 बच्चों समेत 8 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में राजनीति गर्मा गई है। इस बर्बर और दिल दहलाने वाली घटना में जलाने से पहले लोगों को बुरी तरह पीटा गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को राज्य पुलिस से जांच अपने हाथ में लेने और 7 अप्रैल को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है। माना जा रहा है कि इस घटना को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पंचायत स्तरीय नेता की हत्या का बदला लेने के लिए अंजाम दिया गया था। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी ने सवाल किया है कि क्या केंद्र सरकार के मातहत काम कर रही एजेंसी पर निष्पक्ष जांच को लेकर भरोसा किया जा सकता है। उसने दावा किया कि भाजपा विपक्षी दलों को घेरने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी ओर राज्य के बुद्धिजीवी वर्ग के सदस्यों ने कोलकाता में सड़क पर उतरकर हिंसा का विरोध किया है। एक तरफ भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट आई है, वहीं यूरोप के देशों में एक बार फिर संक्रमण में तेजी आई है। वहीं चीन में भी कोरोना मामलों में इजाफा देखने में आ रहा है। भारत में राहत की बात यह है कि कोरोना संक्रमण का दैनिक आंकड़ा 2000 से नीचे आ गया है। गुरुवार को यहां 1700 से लगभग मामले सामने आए थे और 83 लोगों की मौत हुई थी। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 21,530 रह गई। दूसरी ओर जर्मनी में एक दिन में 2,96,498 नए मामले सामने आए, जबकि फ्रांस में गुरुवार को 1,48,635 नए मामले मिले हैं और 112 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन में एक बार फिर कोरोना केस बढ़ने लगे हैं।
अमेरिका में भी मामले बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। भारत के पड़ोसी देश चीन में 25 दिन में 56,000 मामले सामने आए हैं। एहतियात के तौर पर चीन पहले ही कई शहरों में लॉकडाउन लगा चुका है। दक्षिण कोरिया में भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब खबरें संक्षेप में। रूस के सैन्य जनरल स्टाफ उपप्रमुख ने कहा, यूक्रेन में 1,351 रूसी सैनिक मारे गए, 3,825 हुए घायल। यूक्रेन के अधिकारी ने कहा, मारियोपोल में थिएटर पर हुए रूसी हवाई हमले में 300 लोग मारे गए। रिश्तेदारों के यहाँ ईडी के छापे के बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं जेल जाने को तैयार, लेकिन परिवार के सदस्यों को न करे प्रताड़ित। यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम चाहते हैं भारत और चीन। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग ही से बातचीत में बनी सहमति। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने के नियमों में और सख्ती, लोकसभा में क्रिप्टो टैक्स को लेकर संशोधन को मंजूरी। 1 अप्रैल से क्रिप्टो टैक्स लागू करने का रास्ता हुआ साफ। तो ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश न्यूज ऑफ द वीक। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।